टू नोएडा 300 रुपये में। ठीक है जी, बाय बाय। हाँ जी, मैंने वहाँ पे ट्रैक देखे हुए हैं। अब ट्रैक आप करोगे नहीं? मैंने देखे हुए हैं, देखे हैं, करे तो नहीं है ना? नहीं करने हैं, कोई साथ हो करे अभी तो। यही साथ हमारे साथ भी, हमने ऑनलाइन देखे हैं। अभी तक ट्रैक एक भी नहीं किया है। सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे सारे सारी उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, स्टे होम एंड बी सेफ। मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो मेरी तरह। भाई मैं हूँ अभी लेह में, रात आए थे हम लेह। लेह में इसलिए आना पड़ा क्योंकि भाई अपनी गाड़ी में डीजल भी नहीं था, बिना डीजल के तो हम कहीं जा भी नहीं पाते। तो हमने सोचा था फिर कारों से डीजल डला लेंगे, फिर उनका एड ब्लू भी खत्म हो रहा था, वो कह रहे थे कि लेह से एड ब्लू भी डला लेंगे। फिर उन्होंने लेह में आके बताया कि उनकी जो वाइफ है उनका ब्रदर आ रहा है लेह, और वो लेह से फिर इनके साथ जाएगा वापसी मनाली वगैरह। पहले प्लान था कि हम स्पीति करेंगे, मनाली से स्पीति करेंगे चंद्रताल वगैरह, उनका ब्रदर आएगा कल। उनकी यार मेरे रुकने का कोई फायदा नहीं है, आप मन की मैं तो तुमसे पहले कर लूंगा, मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए भाई मैं निकल रहा हूँ ले से। ये देखो बारिश हो रही है, रोड गीली है ना, ये देखो देखो सुबह से ही हो रही है। टाइम 7 बज रहे हैं, 6:55 हो रहे हैं। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मनाली, मनाली वाले रूट से जा रहा हूँ, कश्मीर वाला रूट नहीं जा रहा, श्रीनगर कारगिल वगैरह नहीं होके जा रहा हूँ। सो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ उपसी, और उपसी पे यहाँ चेक पोस्ट है, पता नहीं क्या हो रहा है, कितनी भीड़ हो रही है, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रही है आज तो। और 45 मिनट्स लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में। तो गाइज फाइनली रास्ता खुल चुका है, शायद सब भाग रहे हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी वापस घुमा लेते हैं। वहाँ से पीछे ले आया था मैंने गाड़ी वाड़ी साफ करी, अंदर से बहुत गंदी हो रही थी गाड़ी, इसलिए मैंने कपड़ा वपड़ा मारा साफ करी। रास्ता खुल चुका है, अब हम निकल रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:30 बजे में, अब हम निकले हैं यहाँ से तांगला पास पे। पड़ी है भाई कल बहुत जबरदस्त, तो वो साफ हटाइए, साफ करिए, देखते हैं हम भी, हम जाएंगे तो उधर से ही निकल के देखेंगे कितनी तगड़ी बर्फ पड़ी है। सो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ तांगला पास, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ले जा रहा था जब मैंने दिखा दिया था, इसलिए मैं उतर रहा हूँ। अब क्या ही रुकना है, टाइम वेस्ट करना है रुकने तो यहाँ। लो भाई स्नोफॉल देख लो, स्नोफॉल स्नोफॉल देख लो भाई कितनी, और ये स्नोफॉल थोड़ी सी गाड़ी पे जमा लेते हैं, इस सीजन की भी स्नोफॉल ये देख लो भाई स्नोफॉल। इस सीजन की भी स्नोफॉल 3-4 बार मिल गई है, तो इस बार 3-4 बार अगले साल की पूर्ति कर रही है क्या एक बार में ही ये से। गाइस मैं भी गाड़ी के बाहर हूँ और भाई स्नोफॉल के मजे ले रहा हूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ पांग,
और यहाँ भी नहीं रुकना मुझे, तो क्या करूँ जगह जगह रुक के। रुकने का तो कोई मतलब नहीं बनता अभी फिलहाल तो, इसलिए हम चल रहे हैं सीधा सरचू के लिए। बाकी ऐसा लग रहा मुझे आज कि उसमें जल्दी, बहुत ही जल्दी आ गया पांग भी। आप पांग में आके ये अपना नाश्ता ब्रेक कुछ खा पी सकते हो, फिर इसके बाद आपको सरचू ही मिलेगा। एक बीच में एक दो जगह मिल जाएगा, कंफर्म नहीं होगा पर, लेकिन वहाँ का अच्छे भी है, कहीं कहीं ऑफ रोड भी है, दोनों तरह के हैं। पांग के बाद उधर से आओगे तो सरचू के बाद पांग तक है। तुम्हारा भाई अब लेगा यहाँ से शॉर्टकट। सभी जा रहे हैं नीचे की साइड शॉर्टकट से, तो हम भी जाएंगे। ये है शॉर्टकट का रास्ता। ओहो 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 भाई साहब, एक तरफ को झुकेगी गाड़ी। उस दिन आ रहे थे, मैंने सोचा था कि यहाँ से चढ़ाऊंगा वापसी, भाई चढ़ती तो नहीं इस पे, मतलब ही नहीं बनता। इतने भाई तीन चार बार एक तरफ को झुक गई, तीन चार बार। ये देख लो भाई, मैं सरचू पहुंच चुका हूँ। सरचू तो ये रहा, यहाँ देख लो लाइन कितनी लंबी लग रही है पीछे से, कहाँ से आ रहा हूँ। और उधर सरचू के उस तरफ, मतलब जो हिमाचल में एंटर हो जाते हैं, हिमाचल बॉर्डर है वो सामने, वो सामने हिमाचल बॉर्डर है। और लाइन देखो भाई, ये लग रहा है बर्फ़ पड़ी है, इस वजह से जाने दे रहे। अब क्या होगा देखते हैं। ले टू नोएडा 300 रुपये में। यहाँ से तो निकल चुके हैं भाई, मैं यहाँ से तो निकल गया। अब उस साइड का पता चले सीन क्या है। और यार मैंने सोचा था यहाँ राजमा चावल खाऊंगा बढ़िया से, कोई मिल जाएगा तो अब यहाँ तो मिला है। चल आगे देखेंगे, यहाँ ट्रक वालों ने इतनी लंबी लाइन लगाई हुई है ना बेफजूल की। ट्रक वालों को तो निकलने ही नहीं दे रहे, बस गाड़ी निकाल रहे। दीपक कौन है? दीपक आ? ये दीपक कौन है? दीपक क्या मालूम, ये लिखा है दीपक वेलकम यू। हमको क्या मालूम,
कहाँ का रहने वाला? हम तो यहाँ के नहीं है। कहाँ का है? झारखंड। इतनी दूर क्या करने आया तू? भाई हिमाचल का चेक पोस्ट एक एक के दो दो कर डी करके छोड़ रहे हैं क्योंकि आगे स्नोफॉल हुई है बहुत तगड़ी और ये पीछे पुलिस वाला खड़ा ये बता रहा था, तो एक एक दो दो गाड़ी करके छोड़ रहे हैं, छोटी गाड़ी के साथ दो तीन गाड़ी और मतलब जो जैसे एक खड़ी है अल्टो पल्टो। और उधर तो भाई साहब बुरा ही हाल हो रखा है, वो सरचू है उधर सरचू है, ये हिमाचल है, इधर धीरे धीरे लड़क रहे हैं हमने, मैंने तो गाड़ी भी ऑफ करी हुई है, अपना आप ही चल रही है। हिमाचल में एंट्री हो चुकी है और टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, बज जाए तो जल्दी मनाली पहुंच जाए। और ये देखो पहाड़ कैसा लग रहा है। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी, पूरे बादल, स्नो पड़ रही है और बारालचा पास पहुंचने वाला हूँ 2-4 मिनट में। और भाई ये बंदा जो होंडा सिविक लाया और उसमें एलोए डल रहे, भाई एलोए कैसे लता घुमा रहा है, ये तो बहुत ही नीची गाड़ी है, सेडान लानी थी पर इतनी भी सेडान नहीं लानी थी और एलोए लगा के ओल लिया है। भाई ये देखो क्या मौसम हो रहा है, ओहो क्या मौसम है ये मौसम। और भाई क्या नजारे हैं, नजारे ये रहा भाई बारल चपास बोर्ड। ये रहा भाई ये रहा 12 लच्छपास। गाइस सामने दिख रहा होगा आपको, इधर भी दिख रहा होगा, फोग ही फोग हो रखा है, सीसा नीचे करके दिखाऊं, लो भाई देख लो फोग हो रहा, मौसम खराब हो रहा है यहाँ। 12 लच्छपास मैंने क्रॉस कर लिया और जो वो ताल थी ना उस ताल का नाम था सूरज ताल, मैंने जब इधर से हम गए थे जब मैं नाम भूल रहा था उसका बट अभी याद आ गया, मैंने बता दिया सूरज ताल, बाकी उसमें भी डाल ही दूंगा मैं नीचे नाम। ये देखो भाई मौसम क्या हो रहा है, पूरा फोग हो रखा है, मौसम ख़राब है, नज़ारे देखो बर्फ़ वाले। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ डारचा के चेक पोस्ट में, अब बस मनाली कुछ ही दूरी पे हैं हमसे, मनाली पहुँचेंगे, यहाँ एंट्री करवा दूँ एक बार, एग्ज़िट करवाना होता है जब जाते हैं निकल के एग्ज़िट,
जब आते हैं तो एंट्री ले। ये देखो गाइस, जब हम यहाँ से गए थे ना उस दिन लद्दाख, तो जब बर्फ थी नहीं, हरियाली थी, जब सूखे पड़े थे पहाड़। और आज देखो भाई साहब इन पे क्या स्नोफॉल हुई है तगड़ी वाली। ये देखो क्या तगड़ी वाली स्नोफॉल हुई है, सारे पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है सारे पहाड़ों। जब उस दिन हम गए थे तब सूखे पड़े थे, हरे पड़े थे और सूखे पड़े थे, और आज देखो इन पे क्या बर्फ है। ओए होए ओए होए, फोटो शूट चल रहे। ओए होए ओए होए, फोटो शूट। गाइस यहाँ पे चल रहा अपना भुट्टा। जब हम गए थे, जब हमने मोमोज वगैरह मैगी वगैरह खाई थी, ये रहा भुट्टा वाला, ये रही अपनी गाड़ी, और ये रहा मनाली। मनाली में भुट्टा खाया जा रहा है। बारिश पड़ रही है कल रात से ही, और बर्फ पड़ी है 3-4 दिन से, रोज पड़ रही है बर्फ। भैया बता रहा भुट्टे वाला, इन पैसों में आया हूँ मैं, 300 रुपये में आया था, 50 रुपये भुट्टा का लिया, 250 बचे हूँ। अभी इनमें नोएडा जाना मुझे। जब मैंने ले से निकला था, मैंने सोचा था सरचू जाके खाऊंगा, सरचू से सोचा कि चल आगे चल के, थोड़ा आगे चल के खा लूंगा। कहीं कुछ नहीं खाया आज पूरे दिन, सिर्फ अभी आके मनाली आके एक भुट्टा खाया ले से निकलने के बाद, वरना मैं चिप्स कुरकुरे ही तोड़ रहा था, 2-3 पड़ गए थे पैकेट, यही तोड़ रहा था जब से, यही खा रहा था। अभी पहुंच चुका हूं मैं मनाली। अब मनाली माल रोड पे चलते हैं, कुछ खा लेते हैं बढ़िया सा, पेट फुल कर लेते हैं, और फिर निकलते हैं अपना नोएडा डायरेक्ट। देख रहे हो ताकत, देख रहे हो कितनी है, ले से सीधा नोएडा, नो स्टे, बीच में कोई स्टे नहीं भाई। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और गाड़ी चल चुकी है 2795 किलोमीटर, और यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पता नहीं यार, इस वाली रोड पे हमेशा ही ट्रैफिक मिलता, मुझे कभी आज तक ये खुली नहीं मिली मुझे ये रोड। नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। मनाली के माल रोड पे गया था, वहाँ पे यार कुछ मिला ही नहीं, मतलब मिला क्या, इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ भाई, दुनिया भर की भीड़ थी, बहुत पब्लिक आई है। मनाली के माल रोड पे गया था, वहाँ पे भाई इतनी पब्लिक थी, एक के ऊपर एक इंसान चढ़ने के लिए हो रहा था। फिर मैंने सलून ढूंढ रहा था, फिर मुझे याद आया मंगलवार है, सलून में जाते ही फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब आए तो फिर से लिख के मालिश करा ली, फिर मैंने गोलगप्पे खा लिए बस। अभी तो और कुछ खाया नहीं, खाना वाना तो खाया नहीं, आज पूरे दिन हो गया भाई खाना नहीं खाया, गोलगप्पे भुट्टे भुट्टा बस, चिप्स कुरकुरे। और ये ट्रैफिक ने तो मार रखा मुझे, इस वाली रोड पे हमेशा परमानेंट ही ट्रैफिक है। गाड़ी भी बच गई, बसन से बच गई, इसके तो करीब ऑफ रोड भी तो बहुत करी है गाड़ी ने इस बार, तो भाई नींद आ रही है, कहीं कॉफी वगैरह पीनी पड़ेगी या एनर्जी ड्रिंक वगैरह। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं पंजाब। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15, पहुंच तो मैं रात ही जाता, लेकिन 3:30 बजे के आसपास मैंने गाड़ी रोक दी थी ऊपर ही पहाड़ों में, मैं सो गया था फिर। और
हमारा भी उठा था 5:30 बजे के आसपास, मैंने सो के फिर अब चलाऊं।